पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से स्वच्छांजलि स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की अलग अलग योजनाओं में प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारियों ने पहुंचकर स्वच्छता अभियान चलाया और जनमानस से भी स्वच्छता को अपनाने की अपील की। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार की अध्यक्षता में नया मुरादाबाद के अलग अलग सेक्टर में पहुंची टीम द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया गया और जनमानस से भी सहयोग की अपील की गई। प्राधिकरण सचिव अंजुलता द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्वच्छता को अपनाने का जो संदेश दिया गया था, वो संदेश को पूरा देश अपना कर स्वच्छता को बल दे रहा है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण भी इसी अभियान में अपनी सहभागिता निभाते हुए काम कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री लगातार जनमानस से स्वच्छता को अपनाने की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लगातार स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत जनमानस को संदेश दे रहे हैं और हम सबका भी यही प्रयास है कि हमारा शहर नीट एंड क्लीन हो, हर तरफ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, जनमानस को स्वच्छ वातावरण मिले। इसी उद्देश्य को लेकर हम और हमारी टीम काम कर रही है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा कहा गया कि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमारे शहर के नागरिक स्वच्छता सफाई अभियान चला रहे हैं, उस अभियान को लगातार बरकरार बनाए रखें और स्वच्छता का ध्यान दें। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अपने आसपास का वातावरण जरूर साफ रखें। अक्टूबर के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से आदरणीय बापू के जन्मतिथि की पूर्व तिथि पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोगों के द्वारा अपनी कॉलोनी यहाँ पर साफ सफाई की गई है, इसमें प्राधिकरण के भी हमारे कर्मचारी और अधिकारीगण सम्मिलित हैं और जो स्थानीय हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थीगण हैं, वहाँ के जो निवासीगण हैं, उनके द्वारा भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम लोगों ने यहाँ पर ये संदेश दिया है कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने घर को साफ रखेगा तो उससे जो है पूरी कॉलोनी साफ रहेगी। इस तरीके से हमारी कॉलोनी स्वच्छ कॉलोनी के ध्येय के साथ हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया है और हमने इस बात का भी प्रण लिया है कि आगे जो है हमारी कॉलोनी पूरी तरीके से गंदगी विहीन रहेगी, पूरी तरीके से स्वच्छ रहेगी। तो इस अवसर पर मैं सभी रेजिडेंट्स को बधाई भी देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में वो लोग यहाँ एकत्रित हुए और उनके द्वारा बढ़ चढ़ के इस अभियान में हिस्सा लिया है और मैं सभी लोगों को धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।